और यूं तो सुख और आनंद में बहुत अंतर है। सुख तो हमें सांसारिक जगह पर भी मिल जाएगा। आप अगर कथा में ना आकर के किसी भजन कीर्तन की पार्टी में जाएं तो वहां पर भी सुख तो मिलेगा। आप किसी शादी में जाएं, सुख तो वहां पर भी मिल जाएगा, लेकिन आनंद सदैव सत्संग से मिलता है। और सुख और आनंद में अंतर भी है। खूब सारे लोग समझते हैं कि भाई सुख है वही आनंद है, लेकिन सुख में और आनंद में जमीन आसमान जितना अंतर है। सुख तो मेरे भाई बहन कुछ दिनों के लिए आता है, कुछ क्षणों के लिए आता है, क्षणिक होता है, आता है चला जाता है। सुख का विलोम होता है दुख। यदि आपके जीवन में सुख आया है तो दुख भी जरूर आएगा, तय है। जिस प्रकार दिन आता है, दिन के बाद रात आ जाती है, वैसे ही मेरे भाई बहन सुख के बाद दुख आता ही आता है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन आनंद जो एक बार जीवन में आ जाए फिर आनंद कहीं नहीं जाता है, क्योंकि आनंद का कोई विलोम शब्द है ही नहीं। आनंद तो आता है और उसके बाद परमानंद अखंडानंद को लेकर के आता है। आनंद जीवन से कभी भी कहीं नहीं जाता है, वो सदा सदा के लिए हमारे जीवन में रह जाता है। ऐसा अद्भुत आनंद हमें कथा से मिलता है। अगर उदाहरण से समझे तो भी देखो सुख और आनंद में कितना अंतर है। सुख कब मिलता है और आनंद कब मिलता है। आप देखो, आपको परमात्मा ने बड़ा सुंदर चोपटा दिया है। चोपटा समझते हैं आप, चेहरा। आपको परमात्मा ने खूब सुंदर चेहरा दे दिया, तो ऐसा सुंदर चेहरा जब जब आईने में देखेंगे तो खुद को ही देख करके सुख बढ़ेगा कि परमात्मा ने कितना सुंदर रूप दिया है। मान लो परमात्मा ने आपको थोड़े 5 रुपए ज्यादा दिए हैं, आपकी तिजोरी सदैव भरी रहती है, तो बार बार तिजोरी को खोल खोल करके देखेंगे तो जीवन में सुख बढ़ेगा कि परमात्मा ने कितनी लक्ष्मी जी की कृपा बरसाई है। और मान लो आपको थोड़ा सा रस का ज्ञान ज्यादा दे दिया तो गुलाब जामुन रसगुल्ले देख देख करके जीवन में सुख बढ़ेगा, आनंद आएगा, सुख आएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो सुख होता है सांसारिक सुख, ये कुछ क्षणों के लिए आता है और पीछे पीछे दुख का भी आना तय हो जाता है। जैसे चोपटा तो बड़ा सुंदर दिया है, मेवाड़ी में कहते थोपड़ा। अब चेहरा तो बड़ा सुंदर दिया है, लेकिन कोई 15-20 फुंसियां इस चेहरे पर हो जाए तो आईने में देख देख करके फिर दुख बढ़ेगा। आपकी तिजोरी तो सदैव भरी रहती है, लेकिन किसी दिन गलती से चोरी हो जाए, सारा पैसा खाली हो जाए, तो बाद में तिजोरी को खोल खोल करके देखेंगे तो दुख बढ़ेगा। और मान लो गलती से डायबिटीज हो जाए, शुगर हो जाए, मधुमेह हो जाए, फिर रसगुल्ला खाने की जरूरत नहीं है, दूर से देख करके ही हमारे जीवन में दुख बढ़ेगा। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें सांसारिक सुख कुछ क्षणों के लिए आता है, लेकिन आनंद जो एक बार आ जाता है फिर वो आनंद कहीं नहीं जाता है। जैसे उदाहरण से आपको समझाऊं, हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता कृपया चर्चा नहीं करें, जैसे हमारे यहाँ राजस्थानी में किसी के घर बच्चे का जन्म होता है तो मेवाड़ी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में कहते छोरो हुयो, हिंदी में कहते लड़का हुआ, मराठी में कहते मुलगा जाला, यूपी की भाषा में कहते हैं लालो भयो, गुजराती में कहते नानो थयो। लेकिन जब नंद बाबा जी के यहाँ पर कृष्ण कन्हैया ने जन्म लिया तो किसी ने ये नहीं कहा कि छोरा होया, लालो भयो, नानो थयो, लड़का हुआ। सभी ने एक स्वर में कहा कि नंद के आनंद भयो। और मेरे भाई बहन, नंद बाबा जी के घर पर जो आनंद आया वो आज भी कहीं गया नहीं है। 5000 साल बाद भी आज भी गांव गांव में, गली गली में हर साल आता है, क्योंकि आनंद कभी भी कहीं नहीं जाता है। वो सदा सदा के लिए एक बार जो आ गया फिर मेरे भाई बहन वो सदा सदा के लिए रहता है। और ऐसा आनंद हमें कथा से आता है, ये सत्संग हमें उस आनंद की तरफ ले जाएगा। और आनंद कौन है, भागवत जी के मंगलाचरण में
वेदव्यास जी महाराज प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित्त और आनंद स्वरूप है परमात्मा। जो आपके जीवन में आनंद आता है यही तो परमात्मा का रूप है, परमात्मा कोई उससे अलग थोड़ी है। तो ऐसा आनंद हमें आनंद दाता गोमाता